जरूरी है इस अवसर में। हाँ, आपने किया, पूरा समाज कलंकित हुआ, पूरा समाज बदनाम हुआ। आज है, आज तक ले लोग कहते रह रहा है, अरे गांधी तो सब सलोनियस लाइटे है, तो कहा ये तो धब्बा लग गया आप लोगों को, कुछ लोगों को चंग के चलते। लेकिन इसी धब्बा को मिटाने के लिए आज है हम लोग एकत्र होते हैं और कहते हैं कि गलत है ये सब। ऐसे तो हमारा इतिहास रहा है मानदार रखना और बंदूक रखना। बंदूक रखना इसलिए इतिहास रहा है कि हम लोग बंदूक रख के किसी को चिंता नहीं करते थे, किसी के साथ गुंडे नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, बाघ मार देते थे, सुअर मार देते थे, कायल बाघ मार देते थे। हमारा भैंस पथा में आज करके गाय खा जाता था, भैंस खा जाता था, इसलिए मार देते थे। सुअर को इसलिए मार देते थे, हमारा धान चबा जाता था, इसलिए मार के खा जाते थे, इसलिए बंदूक रखता था। आज भी भोक्ता लोग बैल बकरी बेच के मानदे रखता है जो रहता है। आज देखिए हमारे बीच में कितने मानदारधारी हैं, कितने नगड़ाधारी हैं, कितने हमारे रहता है, कितने रोपनी है। यह हमारा प्रकृति, हमारा संस्कृति आज को कायम रखने के लिए हम आज इस कार्यक्रम को करते हैं। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से लोगों को अपने मुख्य धारा में लाए हैं, बहुत से लोगों को हमारे जिन्होंने कमांडर थे, एरिया कमांडर थे, उनको आज मैं प्रखंड अध्यक्ष बनाया हूँ। मैं नाम बता देता हूँ, सुरेंद्र कुमार गंजू जी उर्फ मनीष जी आज हमारे लावालांग के प्रखंड अध्यक्ष है। निमधारी गंजू जी हमारे हंटरगंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं कि उनका हमारे प्रति ईर्ष्या द्वेष नफरत और घृणा है, पता नहीं उनको तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह कभी पुलिस के दलाली, कभी पुलिस के चुगले करके उसको फंसाओ उसको। एक सुनील गंजू है मेरा साथी था, उनको मुख्य धारा में मैंने लाया था, उन्हें समाज के काम करने लगा, उनको फिर किसी ने फंसा करके फिर जेल में बंद करवा दिया। क्या करें, कभी कभी तो मजबूरी लगता है। आज नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज हमारे मुख्य अतिथि में वक्ता में बहुत कम लोग हैं। आज 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 मेरा समय ही कुछ और साल के अपेक्षा अलग है, वक्ता रहते थे तो हम लोग उस हिसाब से समय को देते थे, लेकिन वक्ता नहीं रहने चलते हम लोग कुछ कार्यक्रम को अलग तरीके से करने का विचार किए हैं। तो हम